हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं अमेजिंग प्रसाद में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। दोस्तों, बहुत बार हम सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है और हमारा विश्वास ईश्वर से उठने लगता है, हम और निगेटिव हो जाते हैं। इतने निगेटिव विचार हमारे अंदर आ जाता है कि हमें किसी पर विश्वास नहीं रहता है। हमेशा पॉजिटिव सोचें क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था, उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। उस बगीचे की देख रेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे से ताजे फल राजा के महल के लिए ले जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ पर देखा, नारियल, अमरूद, अंगूर, बैर पके हुए थे। किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। फिर उसे लगा कि अंगूर ले जाना चाहिए क्योंकि वह पूरी तरह तैयार है। इसलिए उसने अंगूर की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब महल में पहुंचा तो देखा कि राजा किसी दूसरे ख्यालों में खोए हुए हैं। वह बहुत गुस्से में थे और नाराज भी लग रहे थे। किसान रोज की तरह मीठे रसीले अंगूर की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़े दूर जाकर बैठ गया। राजा ख्यालों में खोए हुए थे। अपने ख्यालों में टोकरी से एक अंगूर उठाते और खाते और किसान के माथे पर निशाना लगाकर जोर से फेंक देते। राजा का फेंका हुआ अंगूर किसान के माथे या शरीर पर लगता तो कहता था कि ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर एक अंगूर उठाते और किसान की तरफ फेंक देते तो किसान फिर कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वह अंगूर फेंक कर मार रहे हैं और उत्तर में ईश्वर बड़ा दयालु है, ऐसा क्यों? थोड़ी देर बाद राजा ने किसान से पूछा, मैं तुम्हें अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर से तुम्हें लग भी रहा है, फिर भी तुम बार बार क्यों कह रहे हो ईश्वर बड़ा दयालु है? किसान ने नम्रतापूर्वक बोला, महाराज, बागान में आज नारियल, बैर, अमरूद भी तैयार थे, लेकिन मुझे भान हुआ, क्यों न आपके लिए अंगूर ले चलूं? मैं आज नारियल, बैर, अमरूद भी ला सकता था, मगर मैं आज अंगूर लाया। अगर आज मैं कोई दूसरा फल लाता तो आज मुझे इस तरह मारते तो मुझे चोट लगती, पर मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आज उसने मेरे साथ अच्छा किया और आज मैं आपके समक्ष अंगूर लेकर आया, तो मैं ईश्वर को पुनः धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, इसमें एक बड़ी सीख छुपी हुई है। हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं क्या आपका दुश्मन हूँ या मैंने पिछले जन्म में पाप किए थे? दोस्तों, अगर आपके मन का हो तो अच्छा, लेकिन आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए उससे भी बेहतर सोच रखा है। अंततः अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, यानी अच्छा नहीं हो रहा है, तो भी पॉजिटिव रहें, ऊपर वाले ने आपके लिए उससे भी अच्छा सोच कर रखा है। यह हमें वक्त आने पर ही दिखाई देता है, इसलिए अपने अंदर के निगेटिव विचार निकाल फेंकें और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ओ पिता परमेश्वर, हम सभी के पिता हैं और हम सभी उस पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। तो क्या एक पिता अपने बच्चे के बारे में बुरा सोच सकता है? कभी नहीं। फिर भी हम कहते हैं कि मेरे साथ पिता परमेश्वर बुरा कर रहा है। दोस्तों, मान लो कि आपके बच्चे को सर्दी और खांसी है और उसे आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद कर रहे हैं, तो क्या आप अपने बच्चे को आइसक्रीम खरीद कर दे देंगे? कभी नहीं। अगर बच्चा नहीं माने तो उसके गाल पे एक थप्पड़ रख देंगे। ऐसी हालत में बच्चा सोचेगा कि मेरे पिता बहुत बुरे हैं, वह मेरी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन पापा ने बच्चे के हित को सोचकर ही आइसक्रीम नहीं खरीद कर दिए, ताकि अगर बच्चा आइसक्रीम खाएगा तो वह और भी बीमार हो जाएगा। इसी प्रकार पिता परमेश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करते, वो तो हमेशा लगता है कि बुरा कर रहे हैं। इस बुरा होने के पीछे भी बड़ा कारण रहता है।
जो समय आने पर ही पता चलता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, नकारात्मक विचार अपने अंदर से निकाल फेंकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।